ढाई दिन का। क्या हो गया सर जी? क्या हो गया? पंचर हो गया क्या? तो आप पैदल जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ? करता है पता जो 16 साल का बैगली 16 साल की जी 16 से नदी पुल स्पैन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लंबाई 516 मीटर है जो कि बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी अलग ब्लॉग है। आप देख रहे होंगे मैं अभी कहाँ हूँ, मेरा जो लोकेशन है वो कहाँ है। मैं अभी फिलहाल गांव में हूँ और मैं आप लोगों को गांव का कुछ तस्वीर दिखाने वाला हूँ। आप लोग अपडेट देखते हैं, लेकिन आज यहाँ पर आप लोगों को गांव का एरिया दिखाएंगे, किस तरह का ये एरिया है और किस तरह का ये क्षेत्र है। अभी जो मैं क्षेत्र में हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी मैं जो हूँ समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा के राजघाट बांध पर हूँ। मैं फिलहाल कर्रे नदी सामने है, इधर में कर्रे नदी है और जिस तरह से यहाँ पर एक बांध है उसी तरह से एक उस तरफ भी बांध है। सामने एक पुल भी आएगा, राजघाट पुल आएगा, उसकी तस्वीर आप लोगों को हम दिखाएंगे। और ये आप लोगों को दिखाएंगे कि अभी तक हमारे एरिए में जो पक्की सड़कें हैं अभी तक नहीं बनी है, कच्ची सड़कें देखने को मिलेगी। मतलब जो बांध है ना वो कितना मट्टी वाला बांध आप समझ लीजिए, मट्टी का जैसा बांध है, मट्टी वाला रोड समझ लीजिए, वो रोड में हम लोग का गांव समझ लीजिए आता है एक तरह से समझ लीजिए। और आपको हम तो अपडेट देते हैं, लेकिन हम लोग के इधर में काफ़ी पिछड़ा है, तो आपको हम दिखाएंगे जो मट्टी वाला बांध होता है वो कैसा होता है। मतलब मट्टी भर के थोड़ा हाइड करके, एक्चुअली रोड तो मट्टी भर के ही बनाया जाता है, लेकिन ये एक्चुअली पूरा का पूरा मट्टी है। मतलब ऊपर में कोई भी कंक्रीट या फिर कोई भी ढलाई, कोई भी पिचिंग का काम, डीवीएम का काम नहीं हुआ है। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत ही अलग फीलिंग आएगा आपको इस रास्ते पर जब आइएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो ये इधर में साइड साइड में देख लीजिए, पूरा खेत है, पूरी हरियाली है। और ऐसा सिर्फ आप लोगों को बिहार में ही समझ लीजिए ज़्यादातर देखने को मिलेगा, इस तरह का बांध। इसको एक्चुअली में गांव में बांध बोलते हैं। जो एक्चुअली में ये बांध इसलिए बनाया गया है, इसके ऊपर पिचिंग इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली समय बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ आ जाता है ना, तो बाढ़ आने के बाद जो है सो ये बांध ही एक सहारा होता है इन लोगों के लिए। यहाँ पर एक पुल भी है, राजघाट पुल है जगह का नाम है। और मैं अभी समस्तीपुर के क्षेत्र के इलाका में हूँ और ये समस्तीपुर का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से जो इसका डिस्ट्रिक्ट है वो समस्तीपुर इलाका है। और ये बांध जो बनाया गया है ये आज से नहीं है, कम से कम 50-60 साल से है ये बांध। और इसमें जो है तो सिर्फ देख लीजिए अभी कच्ची ही है, पूरा पक्का नहीं। इसको आज तक जब तक मेरा मतलब कि होश संभाला हूँ तब से इसमें कभी नहीं पक्की रोड मैंने कभी नहीं देखा। मतलब पिचिंग वाला रोड इसमें कभी नहीं आज तक बना है। और यहाँ से जो है पहले क्या होता था, ये पुल नहीं था, लेकिन आज के डेट में राजघाट वाला जो है ये नया पुल बन के तैयार हो गया है। और यही वो राजघाट वाला पुल है जो कि यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, उसकी भी राइड करवाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पर ये राजघाट जो है चौक है, ये समस्तीपुर के क्षेत्र में पड़ता है, हसनपुर विधानसभा के क्षेत्र में समझ लीजिए पड़ता है ये। तो मैं आपको राजघाट वाला पुल जो है उसको भी राइड करवाऊँगा। यहाँ पर जो है सबको यहाँ पर देख लीजिए, रोसरा 20 किलोमीटर, हसनपुर 9 किलोमीटर और सखवा घाट 8 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पर जो है सो थोड़ा सा छोटा सा चौक है। और आपको देखने के लिए एक चीज़ भी मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए तांगा, ये तांगा देख करके दिल खुश हो गया होगा आप लोगों का। देखिए यहाँ अभी भी तांगा चलता है। और ये देख लीजिए सामने का जो रोड है, देखिए कर्रे नदी जो है, कर्रे नदी है सामने और कर्रे नदी पुल है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कर्रे नदी पुल स्पैन जो है 21x24 मीटर है। तो ज़्यादा लंबाई नहीं है, 516.64 मीटर ही है, देख सकते हैं बिल्कुल। और इसके ऊपर जो है आप लोगों को हम राइड करवाएंगे। ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको, 6-7 महीना हुआ इसको उद्घाटन हुए। पहले यहाँ पर जो है घाट होता था। मतलब ये जो कर्रे नदी है, इसकी जो आप लोगों को दिख रहा है नदी भी दिखाएंगे आपको, ये जो गांव है यहाँ पर हम लोगों के लिए ये एक तरह से लाइफ लाइन है। हम लोग को गाँव से जो है हसनपुर जाने के लिए, रोसरा जाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। पहले जो है यहाँ पर देख लीजिए नदी है, ये सामने देख सकते हैं, यही नदी से जो है सो पहले नाव चलता था। ये जो देख सकते हैं इधर में घाट है, वहाँ पर थोड़ा एक नाव भी दिख रहा होगा आप लोगों को। वहाँ से जो है सो यहाँ पर जो है सो घाट चलता था। इधर में देख सकते हैं जो रास्ता बना हुआ है, यही वो रास्ता से जो हम लोग घाट पार होते थे। और इसी घाट से जो है पार होने के बाद फिर हम लोग हसनपुर और रोसरा जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये पुल बन जाने के बाद थोड़ा सा काफ़ी राहत हो गया है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब गाँव में जब डेवलपमेंट होता है। तो अभी हम जा रहे हैं सखवा घाट। जी हाँ, सामने भी बांध है और ये जितना भी क्षेत्र है ना सब बाढ़ का क्षेत्र है। इसके अंदर पूरा में सैलाब आ जाता है ये एरिया में, मतलब कि 6 महीना समझ लीजिए बाढ़ से ग्रसित रहता है ये एरिया, इतना एरिया। मैं आपको इधर दिखा, एक बोर्ड लगा हुआ है देख लीजिए,
शायद आपको दिख रहा होगा कर्रे नदी पुल स्पैन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लंबाई 516 मीटर है, जो कि बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही वो पुल है। और इस पूरे क्षेत्र में समझ लीजिए पूरा बाढ़ का पानी आ जाता है। और इस क्षेत्र में ये जो आपको हरियाली दिख रही है, साल में समझ लीजिए एक ही बार ये इधर में हम लोगों के साथ में हम लोगों के इधर में खेती होता है, मतलब मकई गेहूँ खेती होता है। बाकी जो ये बांध दिख रहा है, अगर ये बांध टूट गया बाढ़ आने के बाद, जब ये पानी पूरा लबालब भरा रहता है, ये बांध अगर टूट गया तो समझ लीजिए हसनपुर वालों को या रोसरा वालों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ये बांध जो है छोटा मोटा बांध नहीं है, ये बांध जो है मतलब ये रोड दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत ही लंबा बांध है। यहाँ पर देखिए बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे हैं, देख लीजिए बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक पतंग उड़ रहा है, कितने सारे बच्चे लोग यहाँ पर मौजूद है, देख लीजिए एक पतंग उड़ रहा है, 1 2 3 4 5 10 लड़के लोग। और क्या कर रहा है छोटू, पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, भाग रहा है तुम लोग क्यों, क्या नाम हुआ? यहाँ पर गांव के लड़के लोग हैं, गांव के बच्चे लोग हैं। अरे गांव का नाम क्या हुआ? अच्छा भैटमान है। यहीं पर बांध टूटा था ना एक बार 2016 में, हम लोग को नहीं पता, आप लोग को पता नहीं है, 2016 में एक बार बांध टूट गया था ना यहाँ पर, बांध टूटा था ना एक बार उधर में, हाँ 2016 में जब बांध टूट गया था तो पूरा पानी इस तरफ आ गया था ना, पानी जो आता है सैलाब। अच्छा ठीक है, आप लोग बताओ इस तरफ पानी आता है कि इस तरफ पानी आता है? जो सैलाब आता है, जब जन सैलाब आता है, जब बाढ़ आ जाता है इस इलाके में, पूरा इलाका में, तो ये बांध क्रॉस करता है पानी का? ना, नहीं नहीं क्रॉस करता है, पता जो 16 साल का गली 16 साल की चीज, 16 साल का नहीं, अभी जो पिछले बार पानी आया था 16 साल पहले पुराना बोल रहे थे, तो बांध पानी क्रॉस करता है क्या, ये पूछ रहे हैं। पानी इसी कारण से सलका मार्ग, हाँ मतलब सलका मार्ग पानी छूट जाता है, पानी छूट जाता है मतलब जमीन के अंदर से छूटता है पानी, लेकिन ये बांध क्रॉस नहीं करता। अगर बांध टूट जाएगा तो पूरा गाँव में दहा जाएगा जी, इतना मजबूत बांध है। लड़का देखिए बोल रहा बांध बहुत मजबूत है, टूटता नहीं है। तो देखे गाँव का जो है सो ऐसे ही है, और गाँव का कल्चर भी देख लीजिए, सब लोग अपना किसी के पास देख लीजिए, सब लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, कोई पतंग उड़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये भाई साहब को देख लीजिए साइकिल लेके चला रहे हैं, मजे से जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। सब जो मौज है गांव में अलग ही मज़ा होता है। देख लीजिए यहाँ पर गाय बांधा हुआ है, गाय जो है अपना घास चर रही है, हरियाली बहुत रहेगी भाई गाँव में, देख लीजिए यहाँ पर घास फूस लेके जा रहे हैं। तो ये सब देखने को आपको गाँव कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, समझ लीजिए ये सिर्फ हमारे इलाके में, समझ लीजिए अपने गाँव के अंदर में आपको हमारे क्षेत्र में आइएगा तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और देखने लायक बहुत कुछ है। तो शायद आप लोगों को ये मज़ा आया होगा देखने के, देख करके शायद इनका क्या हो गया सर जी, क्या हो गया, पंचर हो गया क्या? नहीं मुझे लगा तेल उल रहेगा तो जरूर, तो मेरे पे गाड़ी में है, इनका गाड़ी पंचर हो गया शायद, तेल है, पंचर हो गया क्या? आस पास में पंचर नहीं है क्या? तो आप पैदल जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, अगर पैदल जा रही बच्चा भी है आपके साथ में तो आइए बैठिए, आप जो है सो धीरे धीरे जो है सो आप आइए, ठीक है? जाओ गाड़ी बैठ जा, आजा छोटू बैठ जा, जा आजा छोटू आजा बेटा, आजा आजा पीछे पीछे आएंगे पापा आएंगे पीछे पीछे, आजा आजा, बच्चा डर रहा है इसका मतलब, जाओ गाड़ी बैठ जाओ, उस गाड़ी पर बैठेगा तो आप बैठ जाओ ना, आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ आप बैठ जाओ, जा जा बैठ जा, भैया लगेंगे, आ जाओ जा, आ जाओ जा जा बैठने। और ये इलाका ऐसा है कि अगर रास्ते में आपका पंचर हो गया तो आसपास में कोई दुकान भी नहीं मिलेगा, कम से कम 2-3 किलोमीटर यहाँ से सकवा घाट है, सकवा घाट में पंचर का छोटा सा मार्केट है, वहाँ पर पंचर बनता है। अभी यहाँ से ये पैदल ही जाते, मतलब 2-3 किलोमीटर कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो हमने इनको बिठा लिया है और इसको हम मार्केट लेकर के जाएंगे और वहाँ पर इनको ड्रॉप कर देंगे। तो फाइनली हमने मार्केट में इसको पहुँचा दिया है और यहाँ से फिर अपना वो गाड़ी पंचर बना करके चली जाएंगी, उनका अभी गाड़ी पीछे ही है, उनको बोले थे टंकी के ऊपर चढ़ के आने के लिए, लेकिन अकेली लड़की है इसलिए इसको अभी हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जब तक हस्बैंड नहीं आ जाता तब तक हम उनको समझ लीजिए सुरक्षा हम करते हैं, क्योंकि अपना मुनासिब बनता है, जब तक उनका जो है सो हस्बैंड नहीं आएंगे तब तक हम इनको हम यहीं पर देखेंगे, क्योंकि अकेली है ना यहाँ पर, वो आ जाएँ तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक वो आए नहीं है, उधर में वो बैठी है, जब तक हम लोग पान खा लेते हैं, गांव का पान है, गांव का पान खाने का मज़ा अलग होता है, तो हम लोग बैठ के पान खाते हैं, उनका वेट करते हैं, जब वो आ जाएंगे
उनको हम छोड़ देंगे, जब वो आ जाएंगे उनके हस्बैंड तब उनको हम सुपुर्द करके उसके बाद फिर हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ठीक है, देसी पत्ता में हम लोग पान खा रहे हैं और ये पान खाने का मज़ा अलग है, देखते लाल होता है कि नहीं। हमने पान खा लिया है, उनके हस्बैंड जो आ गए हैं उनके साथ में वो चली जाएंगी, पंचर का दुकान इधर ही पास में है, वो बनवा लेंगे अपना, फिर वो चले जाएंगे। बड़ा दिक्कत हो जाता है जब रास्ते में अगर पंचर हो जाएगा आप गाड़ी आपका, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि रास्ते में कोई दुकान वकान होता नहीं है पंचर बनाने के लिए। हाँ, बीच में पकड़ाने के बाद जो भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आसपास में कोई मार्केट भी नहीं होता है, तो ये भाई साहब पंचर बना लेंगे अपना, चले जाएंगे। तो हम भी अभी अपना काम करवा लेते हैं। तो हमने उनसे पूछा कोई हेल्प चाहिए तो बताइए, बोला कि नहीं हेल्प नहीं चाहिए, आप इतना कर दिए बहुत है, उन्होंने बहुत शुक्रिया बोला हमारा। तो ऐसे ही रास्ते में मिल गया तो कर दिए, कोई तीर तो नहीं मार रहे हैं सब, जो भी है अच्छा लगा तो कर दिए, मतलब करना भी चाहिए रास्ते पहले अगर, क्योंकि इस एरिया में 2-3 किलोमीटर कम से कम था, 2-3 किलोमीटर पहले जो है उनका गाड़ी पंचर हो गया था, तो अब वो चले गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सेफली वो घर पहुँच जाएंगे। पटना से जब आए थे, निकले थे, तो पटना में भी टाइम नहीं मिला था हमको सेविंग करने का, तो सोचे गांव में ही आकर के जो है सो सेविंग कर लिया जाए, तो गांव में जो है समझ लीजिए सेविंग कर लिए हैं, पता नहीं कैसा लग रहा है, देख के बताइएगा आप लोग। यही गांव में देख लीजिए, यहां गांव का सैलून आपको हम दिखाएंगे जब बाहर निकलेंगे, तो गाँव में कैसा सैलून रहता है वो भी हम आपको दिखाएँगे। फाइनली हमारा काम हो गया है, बाल भी बना दिया है इन्होंने, थोड़ा थोड़ा बाल बना दिया साइड साइड से, और बाकी मैं सेविंग कर लिया हूँ। कितना हुआ भैया पैसा? 30 रुपया। 30 रुपया में देख लीजिए सेविंग भी हो गया और बाल का भी सेटिंग हो गया, मतलब 30 रुपया में। अगर पटना में बनाते तो 60 रुपया तो कम से कम लगता, तो देखिए 30 रुपया का बचत हो गया मेरा गांव में आने से, ये भी फ़ायदा है। और इनका देखिए ये सैलून है, अच्छा है यहाँ पर सैलून, कोई दिक्कत नहीं है, पास में देख लीजिए रोड है। फिर अभी हम जाएंगे अपने घर, घाट है और यहाँ का मिठाई बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए हम भी यहीं से लेते हैं, जब भी आते हैं तो मिठाई यहीं से लेते हैं भौजी के यहाँ से। फाइनली हमने मिठाई ले लिया है, और देख लीजिए यहाँ का जो नज़ारा है वो इस तरह का है नज़ारा, देख लीजिए। और इधर में देख लीजिए फिर से वही बांध पर आए हैं, जो मिट्टी वाला बांध था आप लोगों को दिखाया था पहले, वही मिट्टी वाला बांध है, यहाँ से पूरा बिल्कुल सलहा गाँव तक गया है ये। आपको अगर मेरा गांव देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको अपना गांव दिखाएंगे, अपना घर दिखाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।